गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए आज हम क्लास फोर का हिंदी ग्रामर में पार्ट तीन संज्ञा का क्रैश कोर्स वीडियो करते हैं। बच्चों, पहले भी आपने पार्ट एक और दो का क्रैश कोर्स वीडियो देखा होगा। आइए आज हम पार्ट तीन का क्रैश कोर्स वीडियो करते हैं। क्रैश कोर्स वीडियो क्या है? इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको फिर से समझाऊंगी और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगी जो आगे आपको काम में आए। तो चलिए पहले हम लोग पार्ट तीन की कुछ इम्पोर्टेंट और मुख्य बातें को समझते हैं। तो मेन बातें क्या है आपको? संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तब किसी भी व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम और स्थान या भाव का जो भी नाम होगा उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए इसको और आगे हम समझते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। बच्चों एक बार फिर से सुन लीजिए कि संज्ञा संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम है वो संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, कोई भी स्थान का नाम जैसे दिल्ली, मुंबई या भाव, ये सभी जो है संज्ञा है। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए इसको हम विस्तार में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मारिया, हवा महल, हिमालय, ये आपको किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है। जैसे हवा महल विशेष है, हिमालय भी विशेष है और एक लड़की है मारिया वो भी विशेष है। तो ये है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे बढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द एक ही जैसे व्यक्ति, व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का, इसको एक बार और सुन लीजिए, जो संज्ञा शब्द एक ही जैसे व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बालिका, महल, पर्वत, जैसे हम बालिका बोलेंगे तो बहुत सारे बालिका का बोध होगा, मतलब इसको एक जाति विशेष कह सकते हैं। महल में हम बहुत सारे महल का नाम आ सकता है और पर्वत भी बहुत सारे हो सकते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी के गुण, दोष, स्वभाव या दशा के भाव का बोध कराता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदासी, पिटाई, इसको एक बार और सुन लीजिए। जो संज्ञा शब्द किसी के गुण, दोष, स्वभाव या दशा के भाव का बोध कराता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदासी, पिटाई। तो बच्चों आपने संज्ञा के बारे में जाना और संज्ञा के भेदों के बारे में फिर से एक बार जाना। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर इस पाठ से मैं आपको फिर से एक बार दोहराती हूँ, जिनको आपको याद करना है और लिखना भी है। आपका पहला प्रश्न है संज्ञा के भेदों के नाम लिखिए। उत्तर हो क्या? संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। एक बार और देख लीजिए इसको। संज्ञा के भेदों के नाम लिखिए। उत्तर होगा संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आपका दूसरा प्रश्न है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। आपका उत्तर होगा जो संज्ञा शब्द किसी के गुण, दोष, स्वभाव या दशा के भाव का बोध कराता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदासी, पिटाई। एक बार और इसको सुन लीजिए। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। उत्तर होगा जो संज्ञा शब्द किसी के गुण, दोष, स्वभाव
या दशा के भाव का बोध कराता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदासी एक भाव है और पिटाई भी है, एक भाव ही है। कुछ और है इम्पोर्टेंट आपके लिए, वो भी देख लीजिए। इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। इसमें से आपको संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। पहला है आपका उसने बाजार से फल खरीदे, तो आपका इसमें संज्ञा है बाजार और फल। उसने बाजार से फल खरीदे, आपका संज्ञा है बाजार और फल। दूसरा है बिल्ली चूहे के पीछे भागी, आपका संज्ञा है बिल्ली चूहा। तीसरा है आपका गंगा एक पवित्र नदी है, इसमें आपका संज्ञा है गंगा और नदी। इसको एक बार और सुन लीजिए। इन वाक्यों में से आपको संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। उसने बाजार से फल खरीदे, आपका संज्ञा होगा बाजार फल। दूसरा है बिल्ली चूहे के पीछे भागी, आपका संज्ञा होगा बिल्ली चूहे। तीसरा है आपका गंगा एक पवित्र नदी है, आपका जो संज्ञा होगा वो होगा गंगा और नदी। अब इसमें से आपको सही उत्तर चुनिए, आपको सही इसमें से उत्तर चुनना है कि आपका सही कौन है। यह शब्द भाववाचक संज्ञा है, ये तीनों शब्द में आपको भाववाचक संज्ञा शब्द चुनना है। तेल, पिटाई और गड्डी, तो आपका पिटाई जो है वो भाववाचक संज्ञा होगा। दूसरा है यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किला, लाल किला और लालिमा, तो लाल किला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक बार और इसको सुन लीजिए। यह शब्द भाववाचक संज्ञा है, तेल, पिटाई, गड्डी, भाववाचक संज्ञा है पिटाई। दूसरा है यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किला, लाल किला, लालिमा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका लाल किला है। कुछ जातिवाचक संज्ञाओं के आपको नाम लिखना है। जातिवाचक संज्ञा है आपका पर्वत, पर्वत से बहुत सारे पर्वत का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा है। बालक, बालक से भी बहुत सारे बालकों का बोध होता है, ये इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। महल और घड़ी, आपका अगला है कुछ भाववाचक संज्ञा के नाम लिखिए। आपको कुछ भाववाचक संज्ञा के नाम लिखना है, तो उत्तर होगा मिठास, चालाकी, बुढ़ापा, हंसी। इसको एक बार और दोहरा देती हूँ। कुछ जातिवाचक संज्ञा के नाम लिखे, उत्तर होगा पर्वत, बालक, महल, घड़ी। कुछ भाववाचक संज्ञा के नाम लिखे, आपका उत्तर होगा मिठास, चालाकी, बुढ़ापा, हंसी। तो बच्चों आपने इस पाठ को अच्छे से जाना और फिर से एक बार इस पाठ को किया और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर भी किया। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे लिखेंगे और याद भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।